the Dawn Express, Aina Sashka. नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉन एक्सप्रेस और मैं आपकी होस्ट एनी शर्मा एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम आपको बताएंगे कि कौन से महान शख्सियत की जयंती है और कौन सा दिवस साथ ही साथ आज पूरा भारतवर्ष मना रहा है, लेकिन उसके लिए आपको द डॉन एक्सप्रेस की पूरी वीडियो अंत तक देखनी होगी। आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। अब आपको बताना चाहते हैं कि वो महान शख्सियत जिनकी जयंती है वो कोई और नहीं बल्कि भगत सिंह है। जी हाँ, पीएम मोदी ने भगत सिंह जी को याद करते हुए कहा कि 1919 का साल था जब अंग्रेजी हुकूमत ने जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया था और इस नरसंहार के बाद 12 साल का लड़का उस घटना स्थल पर गया। वो खुशमिजाज था, चंचल था, लेकिन उसने जलियांवाला बाग में जो देखा वही उसकी सोच सबसे अलग हो गई और उसने ठान लिया कि अब वो बदला जरूर लेगा अंग्रेजी शासन से। जी हाँ, और ये कोई और नहीं बल्कि भगत सिंह हैं। शहीद भगत सिंह की उन्होंने बात की और कहा कि आज पूरा भारतवर्ष उनकी जयंती साथ मनाएगा। आज है विश्व रेबीज दिवस। जी हाँ, इस दिन पूरी दुनिया में जागरूकता अभियान पर जोर दिया जाता है, लेकिन देश की राजधानी में जागरूकता से ज़्यादा सरकारी अवस्थाएं हावी हैं। जी हाँ, स्थिति यह है कि अस्पतालों में रेबीज के इंजेक्शन पहले से ही उपलब्ध नहीं है। वहीं कोरोना वायरस के चलते सरकारी तंत्र का ध्यान भी इस पर नहीं जा रहा। हालांकि लॉकडाउन और अब कोरोना में दूसरे पीक पे चलते रेबीज के मामले में भी पिछले वर्षों की तुलना में कमी आई है। दिल्ली, केंद्र और नगर निगम तीनों ही तरह के अस्पतालों में इन दिनों रेबीज के इंजेक्शन को लेकर परेशानी है। पूर्वी दिल्ली में प्रियदर्शनी बिहार विकास महेश नागपाल का कहना है कि पिछले सप्ताह उनकी बेटी को कुत्ते ने काट लिया था। पहले डॉक्टर अस्पताल पहुंचे और उसके बाद जीटीबी अस्पताल में दोनों ही जगहों पर उन्हें उपचार न मिलने की वजह से प्राइवेट अस्पताल जाना पड़ा। जी हाँ, यही स्थिति है। वहीं उत्तरी नगर निगम में स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी का कहना है कि सामान्य दिनों में रोजाना 100 से 150 रेबीज के मामले उनके क्षेत्र में आते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से ये संख्या 60% कम हो गई है। ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सुजुकी मोटर अपने ग्राहकों को नया ड्राइविंग अनुभव देने के लिए 3 सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों के न्यू जनरेशन मॉडल्स को पेश करने के लिए तैयारी कर चुकी है। इन 3 मॉडल्स में विटारा ब्रीजा, सुजुकी ऑल्टो और वैगनार आर हैचबैक शामिल हैं। कंपनी की ओर से इन कारों के नए अवतार में दुनिया भर के बाजारों में उतारने के समय की जानकारी सामने आ चुकी है। 1.4 लीटर इंटाइल पेट्रोल इंजन के साथ आएगी विटारा ब्रेजा। वहीं सरकार ने मंजूरी ई व्हीकल्स के साथ फेम 2 की भी वैधता बढ़ा चुकी है और इसका सीधा फायदा लोगों को होने वाला है। ऑल्टो का नया अवतार इसकी 9वीं पीढ़ी मॉडल यानी 9th जनरेशन का मोड होगा। हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ज़माने में मशीन, कपड़े धोने की मशीन खुद ही कपड़े धोती है, खंगालती है और सुखाने का काम भी संभालती है, लेकिन इन सब से बिजली बहुत खपत होती है। इसलिए जापान की एक कंपनी ने समाधान निकाला है। डूमी नाम की इस मशीन को आप अपने पैर से चला सकते हैं। आप छोटे से आकार की इस मशीन का कपड़े धोने के इस्तेमाल किया जा रहा है। कंपनी का दावा है 5 से 10 मिनट तक पैडल चलाना काफ़ी आसान रहेगा। मशीन के अंदर एक गेंद बनी है जिसमें कपड़े घूमते हैं। कंपनी का दावा है इसमें पानी भी खर्च होता है और छोटी और हल्की होने के बाद आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। इसका दाम करीब $250 यानी ₹17,000 है। फिलहाल इसे सिर्फ ऑनलाइन ही ऑर्डर किया जा सकता है। कुछ लोगों की डिग्री से उनकी इंटेलिजेंस का पता नहीं चल पाता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 7वीं क्लास तक पढ़ाई किए हुए रोहित की, जिन्होंने ग्रीजोस्कोप के सिद्धांत पर 360 डिग्री घूमने वाला सीलिंग फैन डिजाइन किया है। अपनी छोटी सी इंजीनियरिंग वर्कशॉप चलाने वाले रोहित ने इसे पेटेंट के लिए भी डाल दिया है। उन्होंने ग्रीसोहोपिक मूवमेंट और प्रिसिशन के साथ सिद्धांत पर काम करने वाला ये 360 डिग्री पंखा ईजाद किया है और देखना होगा कि इनको पेटेंट अब कितना मिलता है।
कई बार लोग बार बार नौकरी बदलने या किसी अन्य कारणों के साथ कई बैंकों में खाते खोल लेते हैं, लेकिन कई बैंक खाते खोलकर आप अपने लिए मुसीबत को आमंत्रित कर सकते हैं। दरअसल अब आयकर विभाग ऐसे लोगों पर नजर रख रहा है जो एक साथ कई बैंक खातों को संचालित कर रहे हैं। लॉकडाउन के चलते आम आदमी के साथ ही सरकारी खजाने पर बुरा असर पड़ा है और देश के सभी टैक्स संबंधित एजेंसियों को ज्यादा से ज्यादा राजस्व जुटाने के लिए कहा गया है ताकि सरकार कामकाज और जनहित में जारी योजनाएं प्रभावित ना हो सकें। ऐसे में आयकर विभाग ऐसे लोगों को निशाना बना रहा है जो टैक्स चोरी करके सरकारी खजाने को चूना लगाते हैं। ऐसे में आयकर विभाग का सबसे सीधा निशाना रहता है आपका बैंक खाता। बैंक खाते में चल रहे लेन देन के जरिए आयकर विभाग आसानी से पता कर सकता है कि आपकी आय कितनी है और आप टैक्स चोरी कर रहे हैं या नहीं। व्हाट्सएप भारत में मौजूदा वक्त में हर तरह से हर किसी की ज़रूरत बन गया है, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम की ऑफिस मीटिंग हो या फिर बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई। ऐसे में डेटा ज़्यादा इस्तेमाल होता है और आपको महंगे पैक यूज़ करने पड़ते हैं और इंटरनेट डेटा बहुत बर्बाद होता है। व्हाट्सएप इस्तेमाल में काफ़ी डेटा की खपत होती है, ये सच है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि कुछ जानकारियों के अभाव के चलते भी कई बार ज़्यादा डेटा की खपत की जाती है। अक्सर देखा जाता है व्हाट्सएप की कुछ फालतू फोटो या वीडियो अपने आप डाउनलोड हो जाती हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी डाउनलोड नहीं करना चाहते। ऐसे में अगर व्हाट्सएप की सेटिंग में 2-3 बदलाव किए जाएँ तो आपके डाटा की बर्बादी रुक सकती है। बैंकिंग फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए RBI 1 जनवरी 2021 से एक नया सिस्टम लेकर आ रहा है। RBI ने इसका नाम पॉजिटिव पे सिस्टम रखा है, जिसके तहत चेक पेमेंट के जरिए 50,000 रुपये या इससे ज़्यादा पेमेंट पर ज़रूरी जानकारियों का आपको इन्फॉर्मेशन देना होगा। हालांकि ये अकाउंट होल्डर पर निर्भर करेगा कि वो सुविधा का लाभ उठाना चाहता है या नहीं, लेकिन संभव है कि चेक के जरिए 5 लाख या इससे अधिक पेमेंट के लिए बैंक इस सुविधा को अनिवार्य कर रहे हैं। कोरोना वायरस दिल की कोशिकाओं को भी संक्रमित कर सकता है। भारतीय मूल के अनुसंधान कार्यकर्ताओं समेत अन्य के कई अध्ययन के जरिए दिखाया है कि कोरोना वायरस प्रयोगशाला में विकसित दिल की मांसपेशियों की कोशिकाओं को संक्रमित कर सकता है। ये इस बात का संकेत देता है कि संभव है कि COVID-19 मरीज को दिल का संक्रमण हो सकता है। ये अध्ययन प्रयोगशाला में विकसित हृदय की मांसपेशियों की कोशिकाओं पर किए गए प्रयोग पर आधारित है जिन्हें मानव के स्टेम कोशिकाओं के लिए तैयार किया गया था। फेसबुक ने इंस्टाग्राम की उन खामी को दुरुस्त कर दिया है जिसके जरिए हैकर महज एक इमेज फाइल भेजकर यूजर के इंस्टाग्राम अकाउंट पर नियंत्रण कर सकता था और उसके फोन को जासूसी उपकरण में बदल सकता था। चेक पॉइंट में साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं के मुताबिक जब उस इमेज को इंस्टाग्राम ऐप पर सेव किया जाता है और ओपन किया जाता है तो हैकर को यूजर के इंस्टाग्राम मैसेज और इमेज की पूरी एक्सेस मिल जाती है और वो अपनी मर्जी से पोस्ट या डिलीट कर सकता है, तो अब इसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फिलहाल तो डॉन एक्सप्रेस में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको सारी जानकारी मिल जाए। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, हम मिलेंगे फिर से बहुत सारी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सयाबाद डेली हंट डेली होप।